मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान का ताल्लुक पंजाब के ज़िला कसूर के एक सियासी घराने से है। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान 29 नवंबर 1971 को कसूर में पैदा हुए। उनके वालिद मलिक मोहम्मद अली ख़ान 1972 से 77 के दौरान रुकन पंजाब असम्बली, 1985 से 94 तक बतौर सेनेटर और 1986 से 88 के दौरान बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे। मलिक मोहम्मद अली ख़ान 23 जनवरी 1986 से 20 मार्च 1988 तक डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि जब सदर और चेयरमैन सेनेट दस्तियाब नहीं थे तो वो 31 दिनों तक पाकिस्तान के कायम मकाम सदर भी रहे। मलिक मोहम्मद अहमद ने 1998 में बकिंगहम यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ लॉस की डिग्री हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से सियासत का आगाज किया। पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान 2002 के आम इंतखाबात में हल्का पीपी 179 कसूर 5 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए। जनवरी 2012 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के बाद मलिक अहमद ख़ान 2013 के आम इंतखाबात में हल्का पीपी 179 कसूर 5 से रुकन सूबाई असम्बली बने। उन्हें 2013 के बाद साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का मुशीर इत्तलात मुकर्रर किया गया था। 2018 के इलेक्शन में मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान हल्का पीपी 176 कसूर 3 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर तीसरी बार और अब 2024 के इलेक्शन में वो चौथी मरतबा कसूर से ही रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब होकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं।